तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग खेलते हैं माइनक्राफ्ट। मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, आप जैसे देख सकते हैं मैं वापस स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। तो ये मेरा एक पुराना वर्ल्ड है जो मैं करीब 1 साल, हाँ 1 साल से खेल रहा हूँ। तो मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा और मेरे मेहनत एक एक सेकेंड गाइस, या तो इस वर्ल्ड में मेरी बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत मैंने एंडर ड्रैगन तक मार मार रखा है। मेरे पास एंड क्रिस्टल्स भी है ताकि मैं एंड रीसेट कर सकूं, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे गाइस। अभी हम जो तू कैसे आया क्या खतरनाक स्वॉर्ड है गाइस ये, एंड ये मेरा बीकन। गाइस अभी बता देता हूँ, मैंने कुछ भी इस वर्ल्ड में क्रिएटिव से नहीं किया, मतलब चीट सी उसने किया, सिवाय सिवाय एक चीज के जो कि है घर घर पे एक एंड पोर्टल। गाइस आप देख सकते हैं घर पे एंड पोर्टल, अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो एंड में आ जाऊंगा। ठीक है, आज मैं क्या करता हूँ, एक टूर कर लेंगे क्या? ठीक है, तो एक विलेज टूर, आइलैंड टूर, कुछ भी कह लो, तो आज वही करेंगे। तो अरे ये सोच सकते हैं लेकिन मैं नहीं सोच सकता हूँ। अरे मुझे भी सोना है। अरे अरे तुम लोग सो रहे हो, मुझे सोना है, तुम्हें भी नहीं सोने दूंगा। अरे अरे कुछ नहीं, हाँ सो गाइस। The next day. तो गाइस, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने इस घर से जो कि है बहुत खूबसूरत। इसमें मैं सारे पोर्शंस मैग्मा क्रीम फैंटम मेम्ब्रेन रखा हुआ है, और ये सारे कचरे, मतलब सारे कचरे नहीं हैं, और ये रेड स्टोन्स गाइस, मतलब रेड स्टोन डस्ट गाइस, और इधर भी कुछ कचरा, इधर खाना है ये बुल, और इधर मेरा प्रेशियस सामान एक और एलाइट्रा है, वो मैं बाद में यूज करूंगा। डायमंड्स और नेदराइट, हाँ ये सब कुछ मैंने अपने मेहनत से माइन किया था, और ये ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये भी बिल्डिंग ब्लॉक्स और कुछ सामान, और ये आर्मरी और टूल्स, और ये गाइस अभी तो मैं डायमंड वाला आर्मर पहन रहा हूँ, और ये है मेरा अरे फेस कैम ऑन करना भूल गया। अरे यार ठीक है, वीडियो फेस कैम के बिना ही। और ये कुछ कचरा पट्टी, ये मेरा सामान नहीं है, ये मेरा भाई का सामान है, वो एक बार आया था। और ये एंडर चेस्ट, ये सारे फर्नेसेस, इतने सारे, दो ब्लास्ट फर्नेसेस, और ये क्राफ्टिंग टेबल, कुकिंग स्टैंड इधर है, हाँ, और एंड रॉड्स, शल्क बॉक्सेस। तो अभी हम आते हैं इस साइड में, तो इधर हमारे पास है बीकन, वो भी नेदराइट वाली, और इधर ना अरे अरे तू इधर कैसे आई? अरे 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 बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है तो इधर ही था। और इधर ना मेरे बकरे थे, इधर मेरे बैल थे, और इधर चिकन्स थे, और मैंने उन्हें ब्रीड ही नहीं किया और सिर्फ मारता गया खाने के लिए, और आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ। और ये है मेरे एन्चेंटिंग रूम विथ 15 बुकशेल्फ्स, इधर एन्चेंटिंग टेबल है, ग्राइंड ग्राइंड स्टोन है इधर, और एक एंविल, एंड गाइस ये मेरा स्टोरेज है विथ पेपर्स,
lapis, bookshelves, and some enchanted books. तो इधर कुछ villagers बाहर फिर रहे हैं क्योंकि मैं अपने villagers को कैद नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्हें आजाद छोड़ रहा हूँ और तुम जिधर जाना चाहते हो जा सकते हो. तो अभी इधर आते हैं तो इधर मेरा एक फार्म है. अरे इधर मेरा एक फार्म है और ये एक पानी का सोर्स है. और गाइस मेरे वर्ल्ड में बहुत सारे क्रीपर्स हैं तो आप जानते हो कि ये गड्ढे किस लिए हैं. और ये लाइम कंक्रीट थोड़ा मेरे भाई का फेवरेट कलर है लाइम तो उसने बनाया था. बे खाना इतनी जल्दी कैसे खत्म होता है. सिर्फ रॉटेन फ्लेश खाना पड़ रहा है. और ये थोड़ा केव्स नहीं कह सकते. इधर मेरा क्या कहते हैं ट्रीज सब कुछ इधर ही है. और फिर आता है ये जगह. ये एंडरमैन भी ना जिधर जाए ब्लॉक्स रख देते हैं. तो ये आया मेरा फेवरेट इस मेरे वर्ल्ड का. इधर गाइस इधर मैंने एक बार माइनिंग की थी. अरे अच्छा इधर नीचे बहुत जाते रहोगे ना तो आपको एक माइनशाफ्ट मिलेगा. और इधर ये ट्रैपडोर्स भी बना रखे हैं. तुम पूछोगे तो इधर ऊपर क्या है आप लोग सोच रहे होगे तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा. अबे आ जाओ. हाँ आपको सुनाई दिया ना ये रहा बस मेरी मेंडिंग फार्म मतलब एक्सपी फार्म जो मेंडिंग को रिपेयर करती है. आओ ना सिर्फ ये पाएगा क्या. तो आप लोगों को पता चल गया है. और उधर ऑफिस जो है उसमें सामान कलेक्ट होता है. इधर जैसे बोन है एरो है जैसे कि इस एरो में तो इंफिनिटी है तो एक एरो चल जाएगा. लेकिन इस वाले जो जिसमें मेंडिंग है इसके लिए मुझे एरोस चाहिए बहुत सारे तो वो इसमें कलेक्ट होते हैं. और ये स्टोन ब्रिक्स ना मैंने इधर रखवाए थे बताने क्यों तब मेरे इन्वेंट्री में स्पेस नहीं थी और एरोस भी नहीं थे. ऊपर रात हो रखी थी तो मैंने स्टोन ब्रिक्स लैब ऊपर रख दिया था. तो और क्या है वे वुड. हाँ और इधर एक आयरन फार्म है जिसमें बहुत सारा आयरन है गाइस. अरे 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 तो इधर से ऊपर चढ़ने के बाद हमें एक ऐसी सी जगह मिल जाती है. इधर मैंने इसलिए पॉपी भर रखा है क्योंकि पॉपीज इतने सारे आते हैं आयरन कॉलम से. तो ये रहा मेरा आयरन फार्म जब भी मैं चाहता हूँ तब आके ले सकता हूँ आयरन. तो ये आयरन फार्म हो गया. आयरन की कमी नहीं है मेरे पास. और इधर ना इधर मैंने क्या क्या एक सेकंड गाइस बिल्डिंग ब्लॉक्स पहले मैंने क्या किया था ना मैंने सिर्फ इतना ही लावा भर रखा था और ऊपर ही नहीं देखा. फिर पता चला कि अरे यार इधर भी इतने सारे स्टोन होते हैं तो इधर पानी डाल दिया ताकि वो फ्लो होके इधर जा सकते हैं. हेलो फार्मर क्या दे रहा है. दे खाने की कमी है मेरे पास. ओ भाई तो
तो ये रहा मेरा टूर, कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, इसको शेयर भी करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और पता है कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली, तो अब से वीडियोस रेगुलर आती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।